950 सीआर का दांव एसआर के सलमान पर, लेकिन फ्लॉप अक्षय कुमार दोनों पर भारी, ऐसे बिगाड़ेंगे बॉक्स ऑफिस का गणित। एंटरटेनमेंट डेस्क। 2022 में बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष करने वाले बॉलीवुड को 2023 से काफी उम्मीदें हैं। इस साल शाहरुख खान से लेकर सलमान खान तक जैसे दिग्गजों की बिग बजट फिल्में रिलीज होगी। दोनों खान्स की करीब 5 फिल्में सिनेमाघरों में देखने मिलेंगी, जिसका फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों का गणित बिगाड़ने फ्लॉप अक्षय कुमार अपनी 6 फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएंगे। रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स ने सलमान शाहरुख पर जहां 950 करोड़ का दांव लगाया है, वहीं अक्षय पर करीब 1200 करोड़ का गेम खेला है। आपको बता दें कि 2022 में जहां सलमान शाहरुख के लीड रोल वाली कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई, वहीं अक्षय की जितनी भी फिल्में रिलीज हुई वो सारी की सारी फ्लॉप साबित हुई। आज आपको इस पैकेज में सलमान शाहरुख के साथ अक्षय कुमार का गणित बॉक्स ऑफिस पर कैसा होगा, यह बताने जा रहे हैं। शाहरुख खान इस साल 3 फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाल करने आएंगे। 25 जनवरी को शाहरुख खान की पठान रिलीज होगी। 250 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म में शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम लीड रोल में है। फिल्म को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है।